बरखेड़ा पठानी पर श्री राम कथा का आयोजन चल रहा है, जिसमें आज मुख्य रूप से गिरीश शर्मा, रविंद्र साहू झूमरवाला, सुरेंद्र वाटिका आदि कई भक्तजन मौजूद रहे। कार्यक्रम सभी के सहयोग से किया जा रहा है, यह जानकारी नरेंद्र चौकसे ने दी। डॉक्टर आशीष कुमार शर्मा, दीपक उपाध्याय, रोहित उपाध्याय। सभी मेरे साहब हाथ उठा के बोलेंगे नर्मदे हर। आवाज नहीं है थोड़ा सा, मात सकती हूँ, मुझे लग रहा है कि खाना खा के आए नहीं है, सब साथ ग्रहण करने के बाद ही आवाज आएगी। नर्मदे हर, हाँ अब आवाज आएगी। व्यास पीठ पे बेटे हमारे गुरु महाराज ने आज अपने मुखारविंद से जो अमृत की वर्षा कर आप लोगों को श्रवण कराया है, मैं गुरु साहब शर्मा जी के श्री चरणों में प्रणाम करके नमन करता हूँ। हमारे साथ इस भागवत कथा में पधारे मेरे प्रिय मित्र पूर्व पार्षद श्री गिरीश शर्मा जी, पूर्व पार्षद श्री सुरेंद्र वाटिका जी, हम सबके सीनियर पूर्व पार्षद श्री टी आर मिश्रा जी, हमारे युवा साथी कमल पेपेरिया जी, तोमर जी और सेलेन साहू जी, राकेश वर्मा जी, इस कथा के आयोजक भाई नीलम चौकसे जी को मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आपने शायद कितने सालों में आप कराते कराते तीसरा वर्ष सफल आयोजन के लिए बहुत बधाई, इनके लिए बहुत जोरदार तालियां हो जाए।
मैं पूरी समिति के लिए ताली बजवाना चाहता हूँ, आप लोग बजाइए बहुत बढ़िया जोरदार तालियां, क्योंकि धर्म का काम जो करता है धर्म की अलग कहलाता है, उसके लिए तालियां भी बजना चाहिए और उनका सहयोग भी करना चाहिए। क्योंकि आज इस युग में हम लोग सब सीमित हो गए मोबाइल के साथ, मोबाइल और आपका इंटरनेट में सब सिमट गए, तो ये जो भागवत कथाएं होती हैं और जो जो भी टीम जो भी संस्था आयोजन कराती है, हमें उनका शुक्रगुजार भी करना चाहिए और उनको सहयोग भी करना चाहिए। आज गुरु साहब जी शर्मा के मुखार बिंद से ये राम कथा का अमृत रस पिछले कई दिनों से बरस रहा है। आज हम सब का प्रिय संवाद केवट के संवाद की प्रस्तुति आज यहाँ हुई। सुदामा केवट ये वही लोग हैं जिन्होंने प्रभु को अपना सर्वस्व समर्पित किया। ईश्वर भाव का भूखा, ईश्वर भजन का भूखा, इतनी बड़ी संख्या में यहाँ मात्र शक्ति विराजमान है। नर्मदा परिक्रमा वासी माँ नर्मदा की कृपा लेकर रविंद्र साहू जी के यहाँ उपस्थित हैं। कमल भैया बैठे हैं सामने, हमारे गुरुदेव टीआर मिश्रा जी बैठे हैं। महाराज आपको प्रणाम करता हूँ। राकेश चौरसिया जी, भूलू भाई, गौतम साहब, हमारे साथी वार्षक सुरेंद्र बाड़ीगा जी यहाँ उपस्थित हैं। सतीश भैया, नीलम भैया, कथा के आयोजक तो हनुमान जी महाराज है। कौन है गिरताली बजा बोला हनुमान जी महाराज की। और जहां जहां राम कथा होती है वह कहीं ना कहीं पीछे कोने में बैठकर हनुमान जी इस कथा का श्रवण करते हैं, ये बात शाश्वत सत्य है। और हनुमान जी को